नमस्कार, न्यू विजन स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत छे। आपने धोरण 7 विषय संस्कृत प्रकरण 4 धरे गुर्जरी एटले के यो गुजरातनी धरती, तो तेना विषयनो आपणे अगाउ अभ्यास करी चूक्या छीए। अने आजे आपणे हवे पछीना धरा गुर्जरी विषयनो अभ्यास करवानो छे। तो तेमां फरीथी एक वखत अगाउ चलावेलो रिपीट करी लईए। जय 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 मे धरा गुर्जरी गौरवशालिनी त्वं मात गुर्जरी, पूर्व दिशायां रक्षति कालिका, वसति कृष्ण पश्चिम दिशायां, उत्तर दिशायां रक्षति अम्बा, कुंतेश्वरस्य तु दक्षिणधाम। धन्य हे धरे गुर्जरी, हे गौरवशालिनी मातु गुर्जरी, कालिका पूर्व दिशायां रक्षति, कृष्णः पश्चिम दिशायां वसति, अम्बा उत्तर दिशायां रक्षति, कुंतेश्वरस्य तु दक्षिण धाम अस्ति। हे गुजरातनी धरती, हे गौरवशाली माँ गुर्जरी, तारी जय हो, जय हो, जय हो, काली माता पूर्व दिशामां रक्षा करे छे। कृष्ण एटले के द्वारकाधीश, जे जामनगर जिल्लामां आवेलू छे, के जे पश्चिम दिशामां निवास करे छे। अंबा माता उत्तर दिशामां रक्षा करे छे, के जे अंबाजी माताजी छे त्यां, अने कुंतेश्वरनुं दक्षिणमां धाम छे। धन्या देव रक्षिता गुर्जरी, जय 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 मे धरा गुर्जरी, पुण्य सलिला नर्मदा माता सूर्य तनाया वहती विपुला, सांभ्रमत्या एटले के साबरमती, इतिहासो विशालः गुर्जर देशस्य महाप्रभावः। कि हे देव रक्षति गुर्जरी, हे धरे गुर्जरी, जय 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 नर्मदा माता पुण्य सलिला अस्ति विपुला, सूर्य तनाया वहती सांभ्रमत्या, इतिहासः विशालः अस्ति गुर्जर देशस्य महाप्रभावः वर्तते। हे देवनी रक्षायली गुजरात नी धरती, धन्य धरती तारी जय हो, जय हो, जय हो। नर्मदा माता पवित्र जळथी युक्त छे, अहीं विशाल सूर्यपुत्री तापी नदी वहे छे। साबरमतीनो इतिहास विशाळ छे, गुजरात प्रदेशनो मोटो प्रभाव छे। धन्ये धर्मदायिनी गुर्जरी, जय 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 हे मे धरा गुर्जरी। के हे धन्ये धर्मदायिनी गुर्जरी, हे धरे गुर्जरी, जय जय हो। के हे धर्मदायिनी એટલે કે હે ધર્મ આપનારી ગુર્જરી, તો વિશેષ્યનું વિશેષણ છે કે ગુજરાતની ભૂમિ, ગુજરાતની ધરતી। જય હો, જય જય મે ધરા ગુર્જરી। કે હે ધર્મ આપનારી ગુજરાતની ધરતી, તું ધન્ય છે। હે ગુજરાતની ધરતી, તારો જય હો, જય હો, જય હો। સ્વાધ્યાય, તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, આપેલા શબ્દ સમૂહનું સારા અક્ષરે લેખન અને વાંચન કરો। તો દેવ રક્ષિતા ગુર્જરી અલ્પવિરામ, પુણ્ય સલિલા નર્મદા માતા અલ્પવિરામ, ધર્મદાયિની ગુર્જરી અલ્પવિરામ, સાંભ્રમત્યા ઇતિહાસઃ। પ્રશ્ન નંબર 2, કાવ્યના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખો। તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, કાલિકા કશ્યામ દિશાયામ ગુર્જર ભૂમિ રક્ષતી, કે કાલિકા
पूर्व दिशायां गोचर भूमि रक्षति। प्रश्न नंबर बे, अंबा कश्याम दिशायां गोचर भूमि रक्षति, तो तेनो जवाब आवशे अंबा उत्तर दिशायां रक्षति। प्रश्न नंबर त्रण, का पुण्य सलीला अस्ति, तो जवाब आवशे नर्मदा माता पुण्य सलीला अस्ति। प्रश्न नंबर चार, कस्याः इतिहासः विशालः, तो जवाब आवशे साबरमतिया इतिहासः विशालः। प्रश्न नंबर त्रण, के वर्गखंड में तमे जे स्थान पर बेसता होय तेना आधारे नीचेनो फकरो छे ए पूर्ण करो। तो मम पूर्व दिशायां खाली जग्या उपविशति, पश्चिम दिशायां खाली जग्या उपविशति, खाली जग्या दक्षिण दिशायां उपविशति, खाली जग्या उपविशति। तो मम पूर्व दिशायां मनीषः उपविशति, पश्चिम दिशायां महेन्द्रः उपविशति, दिनेशः दक्षिण दिशायां उपविशति, उत्तर दिशायां मम शिक्षकः उपविशति। प्रश्न नंबर चार, उदाहरण में दर्शाया मुजब खाली जगह पूरो, तो अहीं आपने एक उदाहरण आपेलू छे खाली जगह इतिहासः विशालः, तो काउंस में आपेलू छे साबरमती अने ब्रह्मपुत्र बने नदी छे साबरमती अने ब्रह्मपुत्र, तो तेमाथी आपणे आ काव्यमां कई नदी उल्लेख करवामां आव्यो छे, तो कि साबरमतीनो, तो साबरमती इतिहासः विशालः। तेवी ज रीते तेनु वाक्य रचना करिए तो ब्रह्मपुत्राय इतिहासः विशालः, बने नदी छे तेमना शब्दनो उपयोग करवानो छे। तेमा नंबर एक काउंसमां आपने गंगा आपेलू छे, तो खाली जगह महिमा विशालः, तो गंगा याह महिमा विशालः। नंबर बे तेमा काउंसमां आपने यमुना आपू छे, तो खाली जगह प्रभाव विशालः, तो यमुना याह प्रभाव विशालः। नंबर त्रण खाली जगह करुणा विशालः, तो आपने काउंसमां आपेलू छे सरस्वती नदी, तो सरस्वत्याः करुणा विशालः। नंबर चार खाली जगह तटे राजकोट नगरम अस्ति, तो काउंसमां आपने नदी आपेली छे आजी, तो आजियाः तटे राजकोट नगरम अस्ति। नंबर पाँच खाली जगह तटे मानवी नगरम अस्ति, तो आपने आपेली छे रुक्मावती, तो जवाब आवशे के रुक्मावत्याः तटे मानवी नगरम अस्ति। नंबर छ खाली जगह तटे उज्जैयिनी अस्ति, काउंसमां आपेलू छे छिपरा, तो छिपरायाः तटे उज्जैयिनी अस्ति। नंबर सात खाली जगह तटे द्वारका नगरम अस्ति, तो नदी आपने आपेली छे गोमती, के जे जामनगर जिल्लामां आवेली छे द्वारका ते, तो गोमतीयाः तटे द्वारिका नगरम अस्ति। तो आजे आपणे होमवर्कमां प्रकरण बे वार्तालाप हो तेमाथी आइडलमांथी पेज नंबर आठ उपर एमसीक्यू आपेला छे, तेमां तमारे एमसीक्यू एक थी तेर छे ते होमवर्क में लखवाना छे। अस्तु।